प्यारे बच्चों, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। दादा दादी, नाना नानी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर बात का ख्याल रखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। बदले में क्या चाहते हैं? सिर्फ इज्जत। आप देखते होंगे कि आपके वालदेन यानी आपके अम्मी अब्बा आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, कोई खाने पीने की चीज़ हो, या खिलौने हो, या फिर घूमना फिरना हो। अगर उनके पास आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की इस्तेआत न हो तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यानी उन्हें पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं। आपने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी खुशी में उनकी खुशी पोशीदा होती है। जी हाँ मैडम, आपने सही फरमाया। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, आपके वालदेन की उम्र भी बढ़ते जाएगी। आप बड़े होकर नौकरी करोगे, पैसे कमाओगे, उस वक्त आपके वालदेन की उम्र बढ़ने से वो कमज़ोर हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। उनका बर्ताव बच्चों की तरह हो जाएगा। उस वक्त आपका क्या फ़र्ज़ होगा प्यारे बच्चों? हमें उनकी खिदमत करना चाहिए, उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमारा ख्याल रखा था, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। शाबाश शर्लीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रेमचंद की लिखी हुई बूढ़ी काकी इस उन्वान के तहत मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली बात की तरफ। बूढ़े वालदेन और दूसरे बुजुर्गों की इज्जत और उनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मज़हब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या ये मुनासिब है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाकर उसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बूढ़ा बाप क्यों रोने लगा? आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उसके रोने की वजह क्या है। बूढ़े बाप ने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कुछ मेरे पास था सब उसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी ज़रूरियात पूरी करने से इनकार करता है। प्यारे बच्चों, पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान की ज़रूरियात कम नहीं होती, चाहे बचपन हो या जवानी या फिर बुढ़ापा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की बात सुनकर आप दीदा हो गए। आप दीदा होना, आंसू भर लाना, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान, सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान से ये क्यों कहा कि तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है? यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जिस पर आप ज़रूर गौर व फिक्र करना। अगर हमारे वालदेन हमारी परवरिश सही ढंग से न करें, हमारी ज़रूरतों को पूरा न करें, तो समाज में हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हमारी सही परवरिश और हमारे वालदेन की कुर्बानियाँ ही हमें एक आला मुकाम पर पहुँचाती है। तो
तो फिर हमें भी अपना फ़र्ज पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर उस नौजवान की परवरिश में उनके बूढ़े वालिद ने अपनी सारी पूंजी नहीं लगाई होती तो क्या वो साबे हैसियत होता? नहीं ना। और अगर वो पूंजी वालिद जमा रखते तो अपने बेटे पर अपनी ज़रूरतों के लिए मुनासिर होते? नहीं। ऐसी ही एक कहानी यहाँ बयान की गई है जिसमें बुज़ुर्गों से हुस्न सुलूक का तस्करा किया गया है। सबक नंबर 4, बूढ़ी काकी। मुसन्निफ़ हैं प्रेमचंद। जान पहचान इस उन्वान के तहत हम प्रेमचंद की मालूमात हासिल करते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 1880 में बनारस के एक गांव लुम्बी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने गांव ही में हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए, मुदर्रिस यानी उस्ताद। उन्हें बचपन से लिखने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। 1921 में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से रिज़ाइन करना, अदब और सहाफ़त को अपना पेशा बना लिया, सहाफ़त अखबार नवेसी। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नाविलों के ज़रिए वतन दोस्ती, समाजी इसलाह और कौमी एकजहती को फ़रोग दिया, यानी वतन से दोस्ती, समाज की बुराइयों की इसलाह और कौमी एकजहती, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे। गोदान, मैदान अमल, चौहान हस्ती, बाजार हुस्न, पर्दे मजाज वगैरह उनके मशहूर नावल हैं। आखिरकार 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में उनका इंतकाल हो गया। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है, दौरे सानी यानी दूसरा दौर। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस बाकी न थी। हिस महसूस करने की कुव्वत, आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जवाब देना यानी काम करना छोड़ चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफ़ी न होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी। यानी बूढ़ी काकी को अभी भी खाने पीने का शौक़ था। उनकी बहुत कमज़ोरी हो चुकी थी, वो हमेशा ज़मीन पर पड़े रहती। लेकिन अगर घर में कोई ऐसी बात हो जाती जो उन्हें पसंद न होती, या वक्त पर खाना न मिलता या कम खाना मिलता या बाज़ार से आई हुई कोई चीज़ उन्हें न मिलती तो उन्हें रोना आता और वो रोने लगती थी। उनके शोहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया था। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए थे। दाग देना यानी मर जाना, यानी उनके शोहर का भी इंतकाल हो गया था और उनके 7 बेटों का भी इंतकाल हो चुका था। और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे दलालों के सब्ज बाग थे, सब्ज बाग यानी झूठे वादे। बूढ़ी काकी ने अपने भतीजे के नाम उनकी जो भी जायदाद थी वो लिख दी थी। जब तक जायदाद उनके नाम पर लिखी जा रही थी तब उन्होंने बूढ़ी काकी से बहुत बड़े बड़े वादे किए। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्राम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते हैं कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ
और अगर ज़बानी तशफी से सूरत हाल में कुछ इसलाह हो सकती तो उन्हें मतलब दरीग न होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाज़े पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमय बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें डांटते थे। लड़के वालिद का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिख करते। अब बुदराम, बुदराम ये बूढ़ी काकी का भतीजा है, उसे अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता था। उन्हें यह सोच भी आती थी कि काकी की जायदाद की वजह से आज मैं भला आदमी बना बैठा हूँ, लेकिन सिर्फ ज़बानी तसल्ली से काम हो जाता तो कोई बात न थी, लेकिन उनके बारे में सोचकर उनके लिए खर्च करना बुदराम को गवारा न था। कभी कभी बूढ़ी काकी दरवाज़े पर किसी के सामने अपना नगमय बेहंगाम यानी अपना दुकड़ा, मुराद यहाँ पर गैर ज़रूरी बात, जब शुरू करती थी तो वो यानी बुदराम आग हो जाते थे। आग होना बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, और घर में आकर काकी को बहुत डांटते थे। लड़के वालिद का ये रंग देखकर यानी बुदराम के बेटे जब ये देखते थे कि वालिद काकी को डांट रहे हैं तो बच्चे भी उन्हें बहुत दिख करते थे। दिख करना सताना या परेशान करना। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो बुदराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से, डर से अपने घर हिस्से की मिठाई या चबीना यानी भुना हुआ अनाज या भुने हुए चने बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। बूढ़ी काकी पार्ट टू वीडियो में हम देखेंगे कि काकी के साथ और क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी पार्ट टू में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।